हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी HK पर। और बात की जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी ने कुछ नोटिस जारी किए हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग, कौन सी क्लास का रिजल्ट आया है और जो एग्ज़ाम हुए हैं PAG के उनका रिजल्ट कब आएगा। और बेसिकली स्टूडेंट्स के बहुत कमेंट आ रहे हैं, सर हम कैसे प्रिपेयर करें MCQs के लिए, और जब हम थियोरेटिकल पोर्शन करते थे तो हमारा सिलेबस होता था, हमें एक यूनिट में दो पार्ट डिवाइड कर लेते थे, इस यूनिट का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और MCQ में तो सारा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए वीडियो मैं कल बनाऊंगा फ्री होके, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, अपडेट मैं देता रहूँगा आपको साथ के साथ, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की बात करें रिजल्ट की, हम आप देख सकते हो MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड SAM Year 6 और डिप्लोमा कोर्सेज इन फ्रेंच, ये रिजल्ट जारी किया गया। सर्टिफाई कोर्स इन स्पेनिश सेमेस्टर Year 1 14 अक्टूबर, सर्टिफाई कोर्स इन फ्रेंच सेमेस्टर मास्टर ऑफ लैब इन्फोसाइंस CBCS Semester 4 14 अक्टूबर। नेक्स्ट MA म्यूज़िक और MA फाइन आर्ट्स ड्राइंग एंड पेंटिंग, MA अप्लाइड साइकोलॉजी, MA पब्लिक, ये रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं 12-13। और आप चेक कर सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम करवाए जाते हैं वो उसी के रिजल्ट है Semester 6 के। और हम बात करते हैं, कुछ नोटिस भी जारी किए हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो हम चलते हैं रिजल्ट कॉर्नर पे। सो हम डिस्कस करते हैं, आप देख सकते हो कि नोटिस, ठीक है, यहाँ पे प्रेस नोटिस में कौन कौन से रिजल्ट आए हैं उनकी बात की जा रही है, उनके रिगार्डिंग नोटिस दिया गया है। और ये फ्रेश नोटिस है, यहाँ पे हम बात की जा करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिस, प्रेस नोटिस रिगार्डिंग रिजल्ट, और हम इसे ओपन करते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी प्रेस नोट रिजल्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन, देख सकते हैं आप, हेल्ड इन सेप्टेम्बर, सर्टिफाई कोर्स फ्रेशर और रिपेयर्स के सबके कैंडिडेट के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं 14 की। आप अपने दोस्तों को शेयर करो, उनका रिजल्ट आ गया है, वो चेक कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारे नोटिस जारी किए गए हैं, आपको क्या करना है, चैनल के साथ कनेक्ट रहना है बस। अब आपको पल पल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ को आपके डाउट है रिगार्डिंग आपके एडमिट कार्ड, वो भी आप कमेंट कर सकते हो, आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। धन्यवाद।